नमस्कार जोहार रोरेमन के स्वागत करत हो डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स इन नागपुरी में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कर जे लैंड एंड लैंड रिफॉर्म और रिफ्यूजी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जे है सेकर द्वारा एक तो बिल पास करल गया जे बिल है के टी टूरिज्म पॉलिसी और एलाइड बिजनेस पॉलिसी 2019 जे कि 28 नवंबर 2019 के पास करल गया और ये बिल को 2012 में 2013 में और 2015 में भी आनल जाए रहे लेकिन एक ही रिमोडिफिकेशन करे के बाद में फिर से ये टी टूरिज्म पॉलिसी के आनल गया और ये पॉलिसी में का आहे का न के सके मैं बताऊँ और एक हमारे लेकिन अच्छा ही के कि बुरा ही के सके विचार रोने मन ही करवा टी टूरिज्म पॉलिसी के अनुसार से ही जे वेस्ट बंगाल सरकार का जे वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 का सेक्शन 6 का जे सब सेक्शन 3 है सेकर अनुसार से ही सरकार को जे चाय बगान में जे को अनयूटिलाइज और जो फैलो लैंड है जो को मतलब बेकार पड़ल है और जर इस्तेमाल नहीं होते से सब जमी के यूज करके इको फ्रेंडली जे टी टूरिज्म पॉलिसी और एलाइड बिजनेस पॉलिसी के बढ़ावा दे चाहेला जाते वो जे जमी में बाहर से इन्वेस्टमेंट बुला सके और वहाँ इन्वेस्टमेंट जब हो हल वहाँ एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो और एम्प्लॉयमेंट मिली जे एरिया में होगा रही और इस एरिया के माध्यम से और ये यूज हो से सिर्फ जे 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 बगान में हुई जे टी गार्डन में हुई वहाँ का जे एखन जे वर्तमान स्थिति है सके नी चेंज करके ये करल जाए ऐसा कहल जा है और इसे एक्ट को जे इस्तेमाल हुई तो स्पेशली अलीपुरद्वार कुचबिहार जलपाईगुड़ी कालिम्पोंग दार्जिलिंग ये सब जो है और ऊपर बाद में उत्तर दिनाजपुर ये सब जगह में ये वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 का यूज करके जब बेकार पड़ल जमी के जाते कुछ करल जाए वो विचार रख के ये कानून के बनाल जा है ये रूल्स के अनुसार जे टोटल जे टी गार्डन का जे एरिया रही सेकर 15% के ही मतलब ई पॉलिसी के अंडर में यूज करे पड़े जबकि 50% जो रही 15% सेकर में सिर्फ 150 एकड़ जमीन ही हाइएस्ट हो सके और ये जो 150 एकड़ जमीन हो सेकर में सिर्फ 40% के ही को कंस्ट्रक्शन कर लेकिन यूज कर सके और ये कंस्ट्रक्शन में रही एक रही तो टी टूरिज्म रही प्लांटेशन रही एनिमल हस्बेंड्री रही पावर प्रोजेक्ट रही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हुई के बाद में मतलब टूरिस्ट रिसोर्ट के बाद में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज नर्सिंग मेडिकल कॉलेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट रही पैकेजिंग यूनिट रही इस सब कर लेकिन ही अलाउ करल जाए वो भी जे 15% यानी कि जो 150 एकड़ हुई 40% के ही खाली ये इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेकिन ही इस्तेमाल कर सकते और एक लेकिन जे जगह मन के बता जा है जे एरिया का चिन्हित करा जा है मन सब ये स्क्रीन में थोड़ा मन ये स्क्रीन में देखे पार्बा जे कि लिस्ट कौन कौन जगह में कितना जमी कर इस्तेमाल करा जाए ये प्रोजेक्ट को कौन कौन अथॉरिटी के अंडर से ही जाए और कौन कौन अथॉरिटी के देखी सके रोल मन ये स्क्रीन में देखे पार्बा ध्यान से देख लो केकर माध्यम से ये प्रोजेक्ट को चाह सके स्क्रीन में देख लो
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स और एंटरप्राइज को नोडल डिपार्टमेंट कर रूप से काम करे। और ये कानून में कहा जा है जे कि जे जे वर्तमान स्थिति है वो टी गार्डन कर जे अनयूटिलाइज जमी कर सकर जे आसपास कर कोनो बिना कोनो खाती कर ले ही ये जे कानून के लागू करे पड़ी और ये न्यू प्रोजेक्ट के लागू करे पड़ी। और वो जे एरिया में टी गार्डन में जे एग्जिस्टिंग जे पहले से काम करते हैं सके हुआ लगा हुए फिर से काम करवाए कर यहाँ नहीं करवाए कर यहाँ नियम करा जा है। और यहाँ इसे न्यू प्रोजेक्ट जो है जगह से अफकोर्स यहाँ जे इम्प्लॉयमेंट जनरेट होबे करी और जे ई इम्प्लॉयमेंट जे जनरेट हो सकर 80% यानी कि जितना भी हुआ पोस्ट हुई जितना भी हुआ काम निकले सकर 80% यानी कि 100 को हुई अगर 80 को जो पोस्ट हुई से लोकल रेसिडेंट्स के ही जे वो एरिया में रहते रह सके ही देवल जाए। और ये भी कहा जाए और जे एरिया में वो प्रोजेक्ट को लागू होते से एरिया के ही पहला प्रेफरेंस देवल जाए। और ये भी कहा जाए जे एरिया में पहले से फॉरेस्ट है फॉरेस्ट मतलब चारों बटे फॉरेस्ट है जंगल है और सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वहाँ बताया जाए कि एक जंगल रहे हले वो एरिया में भी फट के वहाँ से ये जे प्रोजेक्ट लागू करा ले जाए। और अगर लागू करा जाए भी जे वहाँ जो अथॉरिटी जो रही सेकर माध्यम से उसके पूछ के ही लागू करा जाए। और स्पेशली अगर ट्राइबल में अगर वहाँ रहते हैं उसके भी फट के वहाँ से हटा ले जाए और हटा जाए भी वहाँ जे नियम कानून से ही उसके वहाँ से हटा के इन न्यू प्रोजेक्ट के वहाँ उतरा जाए वहाँ लागू करा जाए इस प्रोजेक्ट के पूरा करे। लेकिन अगर देखा जाते जे चाय बागान है चाय बागान का जो एरिया है अगर वहाँ उके छोड़ के भी अगर अगर चाय बागान का आउटसाइड में भी अगर कोनो जगह मिलत है वहाँ भी ई जे उकर साथ ही साथ में ही इस प्रोजेक्ट के बना जाए। और ये भी कहा जाए जे कि अगर वहाँ अगर लेबर क्वार्टर है वो लेबर क्वार्टर के भी वहाँ शिफ्टिंग करा जाए। अगर कोनो कंपनी लीज कर माध्यम से अगर टी गार्डन के लिए है और ये टी गार्डन के है वो दूसरा कोनो व्यवसाय के लिए यूज करते हैं चाहे वो खुद अपने यहाँ करते या दूसरा कोनो कंपनी के माध्यम से अगर दूसरा कोनो प्रोजेक्ट के लागू करते हल भी वो जमीन भी वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 है जो कि सेक्शन 6 का सेक्शन 3 सेकर अंडर में ही आवते है। और वो भी ई जे प्रोजेक्ट के अंडर में काम कर सकल और प्रोजेक्ट में शामिल हो सकल ई एक्ट कर यूज करके ही जे वर्तमान में स्थित जे चाय बागान है सकल जे जे आगे से जे बांगला है जे रिसोर्ट है सके वहाँ जे ई कानून के अनुसार लैंड एंड लैंड रिफॉर्म और जे डिपार्टमेंट है सकल से आगाम उकर अनुमति लेके वहाँ से क्लियरेंस लेके इमन के रिनोवेशन कर सक रिनोवेशन और फिर से नया से बनाए कर भी इमन अनुमति ले सकल और ये प्रोजेक्ट का हिसाब से उनके बना सकल। और इसी तरह से बहुत सारा प्रोसेस कर बाद में अगर ई जे जे टी गार्डन है वो टी गार्डन को अगर ई एक्ट के माध्यम से ई पॉलिसी में आए चाहते हले अगर उसको अप्रूवल ले लेलक और जे कमेटी के सामने वो जे एप्लीकेशन दे वो अगर अप्रूव हो गया अप्रूवल होने के बाद 3 साल के अंदर में ही ये प्रोजेक्ट के शुरू करे पड़ी। और इसे एक्ट बन रहे ई जे 17 जुलाई 2013 में हुए सेकर में ही एक रही परिवर्तित रूप हिसाब से ही ये एक्ट को मान रहे हैं। टी टूरिज्म पॉलिसी के अंडर में आए के लिए जे कौन कौन जे एप्लीकेंट जे टी गार्डन रहे उनके कौन कौन प्रोसेस से जाए पड़े से स्क्रीन में देखे पार्वत हो रहे अच्छा से देख लो का करे पड़े। टी टूरिज्म पॉलिसी के लेके जे वेस्ट बंगाल का जे 4 श्रमिक बना है यहाँ बहुत सारा जगह में भय कर माहौल है उनका सोचना है और उनका कैसन बता चाहे जे कि जे अगर जे चाय बागान में टी टूरिज्म पॉलिसी लागू हुई और जैसन के कानून में पता चाहे अगर जे जगह में जो वर्कर्स बन रहते उनके शिफ्टिंग करा जाए शिफ्टिंग करे के पाते वहाँ फिर से और रिकंस्ट्रक्शन करा जाए मॉडर्न तरीका से अगर वो मॉडर्न तरीका से लागू होने के बाद में उस जगह में वह जो वर्कर्स में थे उम्र के फिर से वही जगह में रह देवी कि नहीं देवी इके लेके जे
चार वर्कर शायद सेकर में भी भाई भी भाई आए और उमन ड्राई जाए जे कि उमन का जगह से उमन के बेरखल कर देवल जाए और यह भाई का चलते हुए मैंने जैसे कि डुवर्स कर बहुत जगह में ये कानून के विरोध करे के लाए हैं जी लागू है कर बात है जैसे कहा जाए कि जैसे एम्प्लॉयमेंट जे अपॉर्चुनिटी बनी सेकर में 80% जे देवी और लोकल परफॉर्मेंस के ही देवी इके पूरी अच्छी तरह से नज़र रखेगा है और कर में जो कानून में कहा जाए जे कि यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग हो मेडिकल कॉलेज हो तो यहाँ जो हो तो यहाँ फिर से वही तो नहीं हो जाए जे कि यहाँ जो ये सब बने कर बाद में सब कुछ बाहर से मालिक बन आ जाए और बाहर से सब कुछ आ जाए और यहाँ पर जो संता से फिर से वही फैक्ट्री में ही वही हजरा में ही वही कम हजरा में काम करे पड़ी और फिर से वही जे लीज लीज वाला जमीन में ही बिना पट्टा वाला जमीन में ही ओके रह पड़ी और ये कानून के हिसाब से जे जगह में जे घर बने वो जे घर बने से घर में भी जे बनाल जाए सके भी सरकार के उचित है जे कि जे जगह में उमन है सही जगह पे ही जमीन का पट्टा दे देख से हले उमन के विश्वास हो जे कि ये पॉलिसी को उमन के बेदखल करे के लिए नहीं उमन के आबाद करे के लिए उमन का डेवलपमेंट कर लेगी उमन का इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेगी बना जा है इके सरकार अगर आश्वासन दे हले और भी अच्छा हुई ऐसा बहुत सारा संगठन कहते मैं ये सरकार का जे पास कर ये कानून का विरोध में नहीं कहता हूँ ना कि मैं इकर जे विरोध में खड़ा हो मैं सिर्फ ये जे कानून है सके सिंपल खाली एनालिसिस करता हूँ जे मैं बुझ पाता हूँ और अगर ये जे एनालिसिस में कुछ भूल भी हो ही जाए भूल भी हो जाए मैं क्षमा चाहूँ और मैं ये जे जायज जो चिंता है ये चिंता सबकर ही करे पड़ी और ये चिंता कर लगी नहीं मेरे को ये मतलब अपने हिसाब से कानून का जो जो लिखा है से हिसाब से मैं एनालाइज कर लो वही से ये कानून के ये एक्ट का माध्यम से ये जो एक्ट है ये जो पेपर्स है ये पेपर्स का माध्यम से ही जे मगर समझ में आ रहा सके मैं सबके सामने सबके बताए कर चेष्टा कर लो और लोगों के अगर ये वीडियो अच्छा लगते हैं शेयर करवा लाइक करवा और सब्सक्राइब करवा और सबका जगह पहुँचा पा जो मेरा उद्देश्य है सबका जगह नॉलेज पहुँचाए सबके अवेयर करे कर और इके सफल रोले मैंने ही करवा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देबू और नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा वीडियो लानबू धन्यवाद। हेलो दोस्त मन मैं जे नेक्स्ट वीडियो लानबू जे कि ये देखा जे कोलकाता गजेट जे बिल नंबर 423 वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट का जे ये बिल है ये बिल के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आबू तो रोले इंतजार करवा और पैसे भी इंतजार करवा मैं के एनालाइज करके जल्दी आओ था।